पूछा है, इट इज फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी इतना स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल में, ये डायरेक्टली हमें स्मॉल यू कैलकुलेट करने को कह देता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर। आपको कौन सी चीज दी गई है? कंकेव मिरर बेटा, राइट जी, कंकेव मिरर आपको दे रखा है। और ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। इसकी फोकल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है, बिकॉज कंकेव मिरर है, वी मस्ट टेक इट एज नेगेटिव बेटा, है ना। प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज। इमेज इसने बनाया है वर्चुअल, रियल नहीं बनाया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हमने जरूर 20 सेंटीमीटर से पहले पहले रखा होगा, 20 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस से। आपका जो यू है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, तभी बनेगा ना वर्चुअल, नहीं तो बन ही नहीं सकता। और इसके बाद बच्चों आपको उन्होंने क्या दिया है, विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। और बच्चों ये बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि इमेज का जो साइज है, बुढ़िया ध्यान दो बेटे काम की तरफ, इट इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपको दिया गया है। और करिए बेटे, आइए देखें, इमेज आपका वर्चुअल है, फोकल लेंथ आपके पास है, नेचर ऑफ द मिरर हमें दिया गया है, H2/H1 अगर मैं रेशियो निकालूं बेटा तो ये आपका 2 के बराबर है, प्लस का 2 है अगर, ये नेगेटिव नहीं है बिकॉज इमेज इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है ना, यस। और बिकॉज ये मिरर है, मिरर में आप जानते हैं मैग्निफिकेशन -V/U हुआ करती है, होता है ना बच्चों। तो आप -V/U को 2 कह दीजिए, और बेटे V कितना हो गया जी, -2×U, ये आपका V आ गया। अरे ऐसा है, ऐसा ही है। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने कैलकुलेट कर भी दिया, दैट्स वेरी गुड बेटा। तो मिरर फार्मूला आपके पास था 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। आपको देखिए यू चाहिए है, आप जो भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है इनकी एडजस्टमेंट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। बी आपने ऑलरेडी -1/2U निकाल रखा है, ठीक है जी, और यू आप अब क्या करोगे, 1/U को ऐसे ही रहने दें, लीव ऐसे विदाउट एनी चेंज। सो दिस इज 1/U, दिस इज 1/-20 आ जाएगा जी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट। हाँ जी बेटे, -2U, 1, -2, एंड जरा चेक करिएगा ऐसे ही आएगा, देखिएगा जरा, ये कट गया आपका, 2U -20 बन गया जी, है ना, और यू बन गया आपका बच्चों -10 सेंटीमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है ये फोकल लेंथ से लगभग हाफ ही हो गया है, एग्जैक्टली रादर हाफ हो गया है। अब आप अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक भी कर सकते हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट बेटा, अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर लीजिए, राइट। कोई और बच्चे का कोई हो प्रॉब्लम बेटा, क्रिटिकल एंगल भी देख लीजिए क्या है बेटा, ये क्लियर हो गया बुढ़ी आपको? क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट क्या है बेटे, आइए देखें कैसे हम क्रिटिकल एंगल को स्टडी कर सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट, इमेजिन कर लीजिएगा कि आपके पास एक
बाउंड्री है, एक्स वाई आपने इस बाउंड्री का नाम रखा हुआ है, और ये बाउंड्री बेटा एयर और मान लीजिए वाटर इनको सेपरेट कर रही है, इसको मीडियम नंबर वन और इसको मीडियम नंबर टू आपने कह दिया, राइट। आपने अपना ऑब्जेक्ट कहीं इस डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम आपने ये रख दिया। एक रे जो नॉर्मल इंसिडेंस वाला होगा, ये बेटे इस तरीके से जब इस बाउंड्री पे फॉल करेगा, वी एक्सपेक्ट इट टू गो अनडेविएटिंग बिकॉज इट इज द केस ऑफ द नॉर्मल इंसिडेंस। देन आप यहां से एक ये वाला रे इमेजिन कर लीजिए, इधर जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, डेंसर टू द रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे का मतलब है इधर चला गया, ये एंगल आई बन गया, ये आपका एंगल बन गया जी आर, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, और कैसे इंक्रीज करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट आगे शिफ्ट करके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस ऑफ दिस वाटर चली जा रही है, तो आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बेटे क्रिटिकल एंगल सी कहलाएगा। सो क्रिटिकल एंगल जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्रिटिकल एंगल की बेटा, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब हम बेटा नेसेसरी मैथमेटिकल डिटेल की भी बात कर लेते हैं, यहां पे क्या होगी, आपका रे पानी से एयर में जा रहा है, तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर, आर आपका 90 डिग्री, है ना बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपको क्या कहता है, इट इज 1/μ वाटर एयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन 90 बेटे, साइन 90 यूनिट ही होता है, और 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, या 1/μ आपका साइन सी के बराबर आ गया, या म्यू आपका 1/ साइन सी आ गया, या सी आपका साइन इनवर्स 1/μ आ गया, राइट जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं, नहीं नोट कर लीजिए बेटे कुछ, हाँ क्या है बोलो बेटे आपका, तो ऐसे नहीं बोला ये बाकी पर ऐसे मैंने कभी नहीं बोला बेटा, मे भी मुझे नहीं याद, ऐसे कई बार इंटेंशनली होता है, होगा बोला गया होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ आप ये चीज मत नोटिस करना, वो ही नोटिस करना, ठीक है। चलो चलें आगे, अब कोई और किसी बच्चे का पॉइंट हो बेटे बताइए, बोलिए बोलिए, आपका कोई है डाउट, बैठिए बेटा।
रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जरा ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म के लिए हमारे पास एक ना फॉर्मूला होता है बेटा, मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन, अगर ये इवन नंबर आ जाए, ठीक है, अगर ये ऑड हो तो फिर इतना ही रह जाता है, ठीक है बेटे, 360 डिग्री अपॉन थीटा, अगर ये कोई इवन नंबर आ जाता है तो उसमें से वन माइनस कर देंगे, और अगर ये ऑड नंबर आ रहा है 360 डिग्री बाई थीटा, अगर इफ इट इज ऑड बेटा देन द नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा ही रहेंगे, और अगर 360 बाई थीटा आपका इवन नंबर आ जाएगा देन नंबर ऑफ इमेजेस आपके माइनस वन करके आपको मिल जाए। अब आपने इसको 180 कह रहे हो, आप 90 कर दोगे अगर आप, तो इट विल बी 3 बेटा, और अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेंड निकाल सकते हो, राइट जी बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, एक कार का ड्राइवर है, वो ड्राइवर्स मिरर ने देखा है कि एक बस उसकी कार को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अप्रोच कर रही है, व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ध्यान दीजिएगा फिर से, एक ड्राइवर्स मिरर में व्यू किया गया है कि एक बस उस पर्टिकुलर ड्राइवर मिरर वाले व्हीकल को अप्रोच कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट इज द बस एंड इट्स इमेज दैट इज द इमेज ऑफ द बस। करिए कैलकुलेट और बताइए, बढ़िया लिख लो कुछ बेटे आप, हाँ जी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज दैट इज रिक्वायर्ड। एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन, अश्विन बोलो, करो कोई बात नहीं, हाँ जी, इट इज क्यू, हाँ हाँ ठीक है, देविता आप एनीवन बोलो उत्तर, जनरल सा क्वेश्चन है, हाँ जी मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मेरे से मत पूछिए, ध्यान दीजिए बेटे ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आगे मिरर है, कंकेव है कन्वेक्स है जो मर्जी है, मिरर को मैं मोशन में नहीं कह रहा हूं, ये स्टेशनरी है, तो इमेज आपका इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, इट विल बी मूविंग 2 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नियरर द ऑब्जेक्ट गोज टू द मिरर द फार्दर द इमेज मूव्स फ्रॉम द मिरर, तो ये इनके बीच में ये ऐसे चलता रहेगा, राइट। अब ये वाला आपका जो स्पीड है, अगर आप इसको पॉजिटिव ले लो तो इसको नेगेटिव लोगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी बढ़िया
इधर वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू इमेज की वेलोसिटी आपकी 2 है आपने ली माइनस अगर ये प्लस 2 है तो इसको आपको माइनस लोगे इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड राइट इनके आपस में रिलेटिव वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की है वो रहने दो आप हाँ ये तो आपकी बात बहुत सयानी बात है अच्छी बात है ना एनी अदर पॉइंट बेटा हाँ जी कोई क्वेश्चन नहीं आपका सारे आ गए ये प्लेन मिरर के केस में बाकियों के केस में बेटे जो है ये एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा एक बार मेरे कहने का मतलब है प्लेन के लिए ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है राइट किसका हाँ हाँ और ये निकाल तो दिया 4 वो कंकेव में भी वही होगा वो कंकेव होता है ना स्लाइटली दैट विल बी वन एंड द सेम अच्छा ऐसे करिए सारे स्टूडेंट्स बेटा आपको एक उन्होंने दिया हुआ है मान लीजिए कन्वेक्स लेंस बेटा इसकी पावर बच्चों P1 के बराबर है एक आपको और कन्वेक्स लेंस दिया गया है इसकी पावर डियर चिल्ड्रन मान लीजिए P2 के बराबर है कॉम्बिनेशन की पावर और फोकल लेंथ दोनों फटाफट निकाल दीजिए आप ऑल ऑफ कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी कॉम्बिनेशन की बेटे फोकल लेंथ कितनी होगी जरा निकाल दीजिएगा जल्दी से आई विल आल्सो बी सॉल्विंग फिर आप कंपेयर कर ले बेटा लेंस कॉम्बिनेशन है दिया हुआ आपको इसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों निकालने हैं तो निकालिए दोनों ही आपको कन्वेक्स लेंसेज दिए गए हैं इनकी दोनों की बेटे देखो आपको पावर P1 और P2 दे रखी है ऑलरेडी और वो जो पावर्स हैं उनको आप बेटे एडजस्टमेंट करके निकाल आप बता भी तो रहे हैं ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और पावर इसकी कैपिटल PM में बोल दी पावर्स आर ऑलवेज एडिट ठीक है जी तो फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ द पावर होता है ना बेटा सो इट विल बी 1 upon F1 1 upon F2 कर लीजिए एंड इट विल बी F1 F2 and F2 plus F1 एंड कैपिटल F विल बी F1 F2 upon F1 plus F2 राइट सेकेंड केस में आप बेटा एक कन्वेक्स और कंकेव की कॉम्बिनेशन को यूज कर लीजिए और सारा रिपीट करके देखिए ये आपका कन्वेक्स है ये आपको साथ ही कंकेव पे रखा है इसकी बेटे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फटाफट निकालिएगा इसकी पावर P1 इसकी P2 इसकी फोकल लेंथ F1 इसकी फोकल लेंथ F2 बेटे बिल्कुल सिमिलर है जल्दी से निकाल के देखो जल्दी करो काम कर लो बेटे पहले फिर बाद में आपके जवाब देते हैं डोंट वरी इसका ध्यान रखो बेटे ये भी चल रहा है कॉम्बिनेशन का आपको फोकल लेंथ निकालना है कंकेव और कन्वेक्स का बेटे आपको कॉम्बिनेशन दे बेटे करके देख लो गुड़िया पेपर कैसे दोगे आप कितना आ रहा है फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड बाई
एफ टू माइनस एफ वन सबका आ रहा है। अब इसके साथ रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन, सपोज आपके दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू, देन व्हाट द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस करके बताना है आपको। सपोज कर लीजिएगा दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ बेटा बराबर है और व्हाट द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक। बिल्कुल ठीक, बट इट विल बिहेव लाइक नो लेंस मिरर नहीं ना बन सकता बेटा। अर्शीन दिविता आप हाँ, तो व्हाट विल दैट इंडिकेट, क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट क्या, यस अब बात बनी ना। तो अगर आपका एफ वन बच्चों एफ टू के बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये आपके पास एफ वन दिया बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। ये जो ये लगे हुए सारे ट्रांसपेरेंट ही है, ये आपके ये विंडोज पे और ये डोर में ये सारे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट्स ही हैं, तो ये इनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, राइट। आप बताइए वो लास्ट गुड़िया लेंसेज के क्या यूजेस हैं। इंफिनिटी नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो। What are the uses of the lenses बेटा, बोल दीजिए फटाफट बोल दीजिए बेटा, बेटी जल्दी से बोल दो, ऐसे मत देखने में काम आ गया। और प्रैक्टिकल करने में काम आता है। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए सुन लीजिए बेटे, जरा सारे बच्चे देखिएगा बेटा, जो लेंसेज हैं एक तो सबसे पहले बेटे ये मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है आपका कन्वेक्स, ये स्मॉल लेटर्स को मैग्नीफाइड देखने में हेल्प करता है, बड़ा करके देखने में हेल्प करता है। सेकेंडली लेंसेज आपके मे बी सिंपल माइक्रोस्कोप हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो वहां पे यूज होते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एज एन आई पीस लेंस। तीसरी बात टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं लेंसेज, स्पेशली कन्वेक्स लेंस कंकेव कम यूज होता है। और आपके दोनों टाइप के लेंसेज देखिए स्पेक्स जितनी भी लोगों को लगी हुई है, स्पेक्स में कंकेव या कन्वेक्स दोनों तरह के लेंसेज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन की जो पर्सन है वो फार साइटेडनेस या लो आपकी नियर साइटेडनेस है उससे सफर कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली दोनों टाइप के लेंसेज आपके स्पेक्स में भी यूज होते हैं। सो दीज आर द फ्यू यूजेज ऑफ द लेंसेज एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द पॉसिबल यूजेज ऑफ द मिरर्स बेटा देविका, मिरर्स कंकेव के यूजेज काउंट कर दीजिए जरा, कंकेव मिरर के शेविंग मिरर, हाँ हाँ डेंटिस्ट के लिए, हाँ जी ठीक है, हाँ कार की हेडलाइट में और टॉर्च की हेडलाइट में भी आ गया और हाँ एक आपने नहीं बताया सोलर कुकर में भी यूज करते हैं इसको बेटा, ठीक है। तो एक छोटा सा बेटे मैं हिंट दे देता हूं, इन सोलर कुकर्स हेडलाइट्स एंड टॉर्च लाइट इनमें एज ए रिफ्लेक्टर ईएनटी ईएफ नोज हीट देखने के लिए, एज ए शेविंग मिरर, राइट बेटा। तो ये आपके फ्यू यूजेस हैं कंकेव मिरर के। अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की
कन्वेक्स मिरर के यूजेस बेटा साइड व्यू मिरर और ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं, ड्राइवर्स मिरर और स्ट्रीट लाइट या फ्लड लाइट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। फ्लड लाइट्स और बता, ब्लाइंड टर्म्स पे भी इसको यूज किया जाता है। ब्लाइंड आपके जितने भी रोड्स हैं, ब्लाइंड कट्स हैं, वहां पे हमें नहीं पता होता कि अगर आप यहाँ से निकलोगे आगे वाली पर्टिकुलर लेन में कौन आ रहा है बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग्स और द अदर आर्टिकल्स प्रेजेंट ओवर देयर। तो इट इज आल्सो यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मिरर, बिल्कुल ठीक बेटा, सिक्योरिटी मिरर। एंड इट इज यूज एट ब्लाइंड, क्या लिखूं, टर्न्स लिख दूं, ब्लाइंड टर्न्स। वो ट्रैफिक वाले आते होते हैं ना, आपको समझा के जाते हैं कितना कितना लंबा चौड़ा समझा के जाते हैं कि 3B से बचना है, 1B कौन सा था ब्लाइंड, 1B कौन सा था भूल गए सर, आई उन्होंने कहा था 3B से बचिए, बी पहले पहले वाले कौन से ब्लाइंड वाले हो गए, दूसरे वाले बच्चे भी चलो मान गए बुजुर्ग, यस। और तीसरी बात, तीसरा भी क्या था, कल परसों एक बच्चा यहाँ पे मुझे मिला तो आई बात आज की बेटे क्या हुआ, वो कहता मुझे ना जाते जाते डॉग्स मेरे पीछे लग गए, तो वो तीसरा भी वो है, ठीक है। वो जो मर्जी कह लो आप, राइट। सो हाँ जी बेटे, एस्ट्रोनॉमिकल देखो बेटे, जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं वो आपकी एस्ट्रोनॉमी स्टडी जो है उसको यूज करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें आपके दोनों कन्वेक्स लेंसेज ही होते हैं, लेकिन कई बार इम्प्रूव्ड इमेज बनाने के लिए आप एक लेंस की जगह पर पैराबोलिक या कंकेव मिरर बहुत बड़े साइज का लगा सकते हो। तो टेलीस्कोप में मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था, टेलीस्कोप में आप कंकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन कंकेव लेंस उसमें यूज नहीं होगा, राइट बेटे। और बाकी जो हाई लेवल एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हैं तो उनमें और भी बहुत कुछ डिवाइसेस जो है वो यूज किए जाते हैं, तो दैट्स नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ द लेंस, उसके लिए और भी काफी कुछ यूज किया जाता है। यस बेटा, डियर चिल्ड्रन, एनी अदर पॉइंट किसी भी बच्चे का? मेरी तरफ से तो बेटे मैं आपको काफी बता चुका हूँ, आई बस जस्ट फोकसिंग की, चलिए आपका किसी का कोई डाउट ना रह जाए ताकि हमारे एग्जाम्स में हम किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े हमें, ठीक है। फिर एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, मिरर और लेंसेज के मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आमने सामने लिख के एक बार उसको करके देख लो, जो तीन चार हमने निकाले हुए है ना, एक यू और एफ की टर्म्स में, एक बी और एफ की टर्म्स में, और एक सिंपल जो होता ही है वो भी है, आप उनको लिख के देख लीजिए, उससे फिर आपको काफी ज्यादा बेटा जो है मैग्निफिकेशन के साथ डील करने में आराम मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एंड इट विल बी मच बेटर डाटा। मिरर और लेंसेज दोनों, मिरर्स एंड लेंसेज, मिरर्स में एम आपका होता है माइनस वी बाई यू, लेंसेज में प्लस वी बाई यू। बाकी निकालिए फटाफट, मैं लिख देता हूं, आप निकालिए सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू बेटा, यू और एफ, बी और एफ की टर्म्स में दोनों दोनों। U और F की टर्म्स में, B और F की टर्म्स में दोनों दोनों। वेरी
वेरी गुड, कर दीजिए फटाफट। इधर करो, बोलो फिर क्या लिखूं मैं बेटे। मैं वही कह रहा हूं कि करो जल्दी से, वही तो मैं कह रहा हूं। FRUB टर्म में निकल गया मिरर का। बोलिए, -FY, इसको ऐसे लिख दूं, और FRB की टर्म्स में निकालिए जल्दी से। सारे बच्चे चेक जरूर कर लेना एक बार, राइट। यस, हाँ बोलो। तो बेटे वो तो मैं भी देख रहा हूँ कर रहे हो आप। आई वाज थिंकिंग कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं कहना, बोलिए फिर, बोलिए FRB क्या लिखें। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पुत्र। इट्स F-B डिवाइडेड बाई F एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेंसेज में भी पुत्र देखिएगा, इधर और इधर क्या बनेंगे। क्रॉस चेक करते जाना बाकी बच्चों ने भी, ऐसी आंखें बंद करके नहीं नोट कर लेना। बोल तो दो, अब पहले बैठ जाओ बेटे, एक मिनट बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैल रोज ही होती है। कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे, ये तो पूरा कर ले पहले। यस विद डियर, एम इज इक्वल टू F-B बाई F, U वाला भी बोल दीजिए। ये तो सेम ही हो गया, चेक करिएगा, ये इसमें कोई फर्क नहीं है। चलो चेक कर लेना आप, खुद निकाल लेना, अगर कोई दिक्कत आएगी फिर कल कर लेंगे। थैंक यू ऑल।